जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और इस वीडियो में। हम यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे जिसमें हम समाजशास्त्र और समाजीकरण के बारे में बात कर चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो में धर्म निरपेक्षता और आधुनिकरण, सेकुलरिज्म और मॉडर्नाइजेशन के। तो बिना किसी देरी के चलते मेन टॉपिक धर्म निरपेक्षता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। धर्म निरपेक्षता क्या है दोस्तों? सबसे पहले कि हिंदुस्तान एक धर्म निरपेक्ष देश है, एक सेक्युलर देश है, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसी भी देश का सेक्युलर होना सबसे बड़ी खूबसूरती। सेक्युलर और धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पहले आसान भाषा में समझिए। किसी के साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव न करना, किसी के साथ फर्क न करना उसके जाति और धर्म के आधार पर, यही धर्म निरपेक्षता कहलाता है। धर्म को अलग करके इंसानियत के भरोसे देखना और इंसाफ करना, भेदभाव न करना और एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना, एक दूसरे के धर्म में बाधाएं न डालना, यही धर्म निरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांत है। इसको शब्दों में देखिए, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। तो जो भी धर्म निरपेक्ष देश होते हैं ना, वो धर्म के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं करते, ये इसका मूलभूत अर्थ होता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। आप ईद भी मनाइए, दिवाली भी मनेगा, क्रिसमस भी मनेगा, हर एक त्यौहार को मनाया जाए, यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसी को धर्म निरपेक्षता कहते हैं कि सबको उसके अपने धार्मिक विश्वास, धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक परंपराएं और धार्मिक गतिविधियां करने की इजाज़त है। सबको इजाज़त है, धर्म में कोई एक दूसरे से हस्तक्षेप नहीं। दूसरी बात है दोस्तों, धर्म निरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता हो। जो धर्म को ही नहीं मानता उसका भी स्वागत है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बात यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए धर्म निरपेक्षता का मतलब किसी के धार्मिक भावना में हस्तक्षेप न करना है, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया। धर्म निरपेक्षता का संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, ठीक है, हर एक लोग का धर्म उसका निजी मामला है। इसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, कब तक, जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल अवधारणाएं आपस में टकराव की स्थिति न उत्पन्न करें, ठीक है। धर्म की आज़ादी है, मगर इतनी आपको भी हर चीज़ को धर्म निरपेक्षता के मतलब में आपको बताया जाता है कि आप अपनी धर्म की आज़ादी अच्छे से मनाइए, लेकिन हाँ, किसी दूसरे के धार्मिक भावना का ठेस ना पहुँचे, इसका भी ख्याल रखिए। तो धर्म निरपेक्षता की आज़ादी तब तक सरकार देती है जब तक किसी दूसरे धर्म की आस्था से टकराव ना हो। समझ में आ गया, धर्म निरपेक्षता का आसान शब्दों में अर्थ यही है कि धार्मिक भेदभाव, धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव न करना, धर्म के आधार पर एक दूसरे से अन्याय न करना। तो ये धर्म निरपेक्षता की बात हो गई दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अब धर्म निरपेक्षता की विशेषता देख लीजिए, धर्म निरपेक्षता की विशेषता क्या होता है। धर्म निरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण है जो सर्वधर्म संभाव की भावना को प्रचलित करती है। हर धर्म समान, हर धर्म एक जैसा, इसकी भावना को प्रचलित करती है। इसकी विशेषता यह है कि धर्म निरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है, एक हो जाते हैं सब लोग। इसमें किसी भी समुदाय या अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता, कोई इसमें नहीं कह सकता कि हाँ कि मेरा आपके ऊपर वर्चस्व है इस धर्म का, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब सर्व धर्म संभाव। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है तथा धर्मों को राजनीतिक से पृथक का कार्य करती है, ठीक है। धर्म व्यवस्था सॉरी लोकतांत्रिक को मजबूत करती है। वो कहते हैं ना कि एक गुलदस्ते में जितने भी भिन्न भिन्न के फूल होंगे ना, वो गुलदस्ता उतना ही खूबसूरत होगा। एक देश में जितने भी भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होंगे, आपस में प्यार से रहेंगे, वो देश उतना ही खूबसूरत होगा। और सौभाग्य है हमारे देश की कि हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यह एक गुलदस्ता की तरह है जिसमें भिन्न भिन्न के तरह के फूल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, धर्म निरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है जो सभी। तो ये बात हो गई धर्म निरपेक्षता के बारे में। अब इससे शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई, इसमें शिक्षा का क्या उपयोग है? तो आप देखें, शिक्षा में कोई हर एक धर्म के बच्चे एक साथ रह के पढ़ते हैं, ये धर्म निरपेक्षता की देन है। धर्म के नाम पे कोई विद्यार्थियों में कोई मतभेद नहीं, सभी धर्मों के लिए समान विद्यालय होना, सभी धर्मों के साथ समान न्याय होना शिक्षा में, ये सारी चीज़ें धर्म निरपेक्षता की देन है। तो उम्मीद है आप इससे, इसकी विशेषता से आप इसके उद्देश्य निकाल लेंगे, ठीक है, कि धर्म की एकता का सूत्र में बात के रखना, लोकतंत्र को मजबूती देना, देश को मजबूत रखना, तो ये सारी चीज़ें इससे उद्देश्य आप निकाल लीजिएगा।
इसमें शिक्षा का उद्देश्य भी निकाल लीजिएगा कि शिक्षा कैसे धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत करती है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण पे। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मॉडर्न बनना, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा मॉडर्न बन जाता है मतलब अपनी पुरानी गतिविधियां अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नई तकनीक या नई नीति अपना लेना, क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। अच्छा बेटा तू मॉडर्न बन गए, समझ आ रही, ये नॉर्मल चीज़ है। तो इसका कहने का मतलब कि मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया, आधुनिकरण क्या है भाई, वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह उपयोग किया जिससे वो ज़्यादा लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं उसमें आप तकनीकी या वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रयोग करके आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, उसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। मतलब नई तकनीक ऐड कर देना, नए चीज़ों को उसमें ऐड कर देना, ये मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ देखें, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह उपयोग किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जा सके। अंग्रेजी में लिखा गया मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन अ सच वे दैट मोर प्रॉफिट कैन बी अर्नड और गेन्ड। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए श्याम चरण दुबे जी हैं, हिंदुस्तान की हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि आधुनिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं को तकनीकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जाता है। जो भी व्यवस्थाएं, वही बात उन्हें, जो भी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं तकनीकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू श्याम चरण दुबे जी द मॉडर्नाइजेशन इज सच अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम इज चेंज थ्रू टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया दोस्तों, तो ये होगी आसान भाषा में, समझ जाइए। अब आइए देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की विशेषता क्या, मतलब क्या फ़ायदा होता है भाई, इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रकृति क्या है मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकरण की। तो आधुनिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कल थी वो कल के ज़माने के लिए मॉडर्न थी लेकिन आज के ज़माने के लिए वो मॉडर्न नहीं है, जो आज मॉडर्न है वो आने वाले ज़माने के लिए मॉडर्न नहीं होगा। तो ये क्या है भाई, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, बहुत समय तक चलेगी। यह क्रांतिकारी प्रक्रिया है भाई, ये रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यह गतिशील और अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय प्रक्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एक बार दूसरे बार फिर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो और दोस्तों देखते हैं कि इसके अलावा क्या है, ये समाज के सुधारक के लिए प्रक्रिया है, सामाजिक भलाई के लिए प्रक्रिया, देश की सुरक्षा करने वाली प्रक्रिया, वैसे तमाम प्रक्रियाएं मॉडर्नाइजेशन में आप लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन का क्या उपयोग है, इसका शिक्षा से क्या संबंध है, और आधुनिकरण ने शिक्षा को कैसे बेहतर बना दिया, तो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे प्रयोग ऐसे उपयोग जैसे कि प्रोजेक्टर, लैपटॉप, ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन क्लासेस, इन सारी चीज़ों का प्रयोग, आधुनिकरण का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यही आधुनिकरण कहलाता है और इससे शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आधुनिक शिक्षा की विधियाँ क्या है, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, चर्चा एवं भाषण विधि, ये आधुनिकरण की शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, आज योजना बना क्या पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रयोग विधि प्रैक्टिकल करते हैं, चित्रों पे दिखा के पढ़ाते हैं, और चर्चा और भाषण विधि आप उनसे डिस्कस करते हैं और लेक्चर विधि पढ़ाते हैं। आधुनिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होगी, एक शिक्षक कैसे इसको और अच्छा करेगा, आधुनिक विधियों को निपुण होने के जिज्ञासु स्वभाव व्यक्ति, आधुनिक विधियों में निपुण होने एवं जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्तित्व होना पड़ेगा, शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक को ऐसा बनना पड़ेगा। सकारात्मक सोच और अभिप्रेरित करने वाला होगा, मोटिवेट करने वाला होगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, समस्त भाषाओं का ज्ञान, समस्त का मतलब कि जो भी चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही हैं उसकी भाषा का ज्ञान हो, तभी जाके वो सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करे। और शिक्षक को शिक्षण के साथ साथ जो भी मॉडर्न चीज़ें हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का प्रयोग आना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को समझा पाएगा, उसको सही से सिखा पाएगा। आधुनिक तकनीकी की समस्त जानकारी रखने वाला शिक्षक होना चाहिए जिससे वो छात्रों के समस्त समस्याओं को उत्तर दे सके। तो ये दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में विधियाँ हो गई, आधुनिकरण की, ये शिक्षक का योगदान हो गया। इसके अलावा भी आप टॉपिक्स आप खुद बना के लिख सकते हैं, कहने का मतलब यही है आधुनिकरण का कि पुरानी जो भी गतिविधियाँ थी, पुरानी व्यवस्था थी, उसमें तकनीक के माध्यम से परिवर्तन लाना मॉडर्नाइजेशन कहलाता है, आधुनिकरण कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, उद्देश्य है शिक्षा संबंधी आप स्वयं बना के लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, कमेंट में बताइए कि कैसे लगती है आपको मेरी वीडियोस, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी करिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में हम एक साथ शुरू से ही पढ़ने वाले हैं, हर एक पॉइंट पर पढ़ने वाले हैं, अभी तो लेट हो गया मगर हाँ पढ़ने वाले हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे ये जानकारी शेयर करके, आप बताइए कि आपको कैसे लगी। जय हिंद।